नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो वर्ल्ड के जो सबसे अटैकिंग प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं मिखाइल ताल, उनका एक गेम है। जब वो जूनियर चैंपियनशिप में खेल रहे थे लैटविया में, रीगा में, तो क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। इस गेम में जो स्टार्ट हुई वो e4 c5 d4 d5 कारोकान में हुआ था। e कट d5, c कट d5 bd3, एक्सचेंज वेरिएशन के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। इसमें आप अगर c4 के लिए जा रहे हैं तो पैनो बोटविनिक एक बहुत फेमस वेरिएशन है h3, बट bd3 खेला मिखाइल ताल ने। Nf6 h3, सिंपली आइडिया ये है कि bg4 को स्टॉप करना है। मतलब जब भी आप Nf3 आओगे तो bg4 नहीं आना चाहिए, और bd3 ऑलरेडी इसको स्टॉप कर रहा है। नॉर्मली यहाँ पे Nf6 की जगह Nc6 पहले खेलते हैं, लेकिन Nf6 खेला फोर्थ मूव पे ब्लैक ने। h3 h6 Bf4 e6 Nf3, और यही मेन आइडिया था कि जब हम व्हाइट से नाइट डेवलप करें f3 पे तो बिशप नहीं आना चाहिए, बिशप अंदर ही रहना चाहिए। तो bd6 खेला यहाँ पे, एक्सचेंज क्वीन कट d6 c3 Nc6 कैसल्स कैसल्स क्वीन e2 पहले भी खेल सकते थे एक्चुअली। Re8 खेला व्हाइट ने, सॉरी ब्लैक ने Ne5। डेफिनेटली आप नाइट इंटू e5 नहीं मार सकते हो, डी का d5 के बाद दोनों पीस पे थ्रेट है। तो f4 खेला यहाँ पे, नाइट e5 के बाद क्वीन c7 खेला ब्लैक ने, और डेफिनेटली नेक्स्ट आइडिया यही था कि नाइट इंटू e5 मारना है। पर अब f4 खेल दिया, जिसमें आप अगर नाइट इंटू e5 मारते हो तो f इंटू e5 के बाद अब बहुत डेंजरस पोजिशन लग रही है ऑलरेडी, क्योंकि इस फाइल में आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम है। और वाइट के पास किंग साइड बहुत अच्छा स्पेस है। तो नाइट h7 खेला यहाँ पे, क्वीन h5। इसके पहले एक्चुअली नाइट d2 इजीली डेवलप कर सकते थे, क्योंकि हमको वाइट से कोशिश करनी चाहिए कि सब पीसेस जल्दी आएंगे हमें। बट इंस्टेड वाइट ने क्वीन h5 खेला, Re7, Ne3। ये एक अलग तरह से एक मैन्यूवरिंग था, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें Nd2 भी आ रहा था सिंपली, लेकिन Ne3 खेलने का पॉइंट ये है कि आप Nc2 Ne3 और Ng4 जा सकते हैं, जिसमें h6 आके अटैक आ सकता है। सो a6 खेला Nc2। डेफिनेटली आइडिया b5 खेलने के बिल्कुल भी नहीं थी, पता था कि a6 आने वाला है, लेकिन उसमें एक मूव एक्स्ट्रा मिल गई। सो Nc2 खेला, क्वीन d7, Nc3, Qe8। अब इस पोजीशन को एक्चुअली आपको पॉज करके थोड़ा देखना चाहिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके बाद जो कंटिन्यूएशन हुई उस वक्त, मुझे लगता है 1949 का ये गेम है, तो ये फर्स्ट पब्लिश्ड गेम है मिखाइल ताल का, जहां तक मैंने एनालिसिस में पढ़ा था। तो Qe8 के बाद यहाँ पे मिखाइल ताल ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव खेला, Re6। इस मूव को अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो डेफिनेटली हमको ये चेक करना चाहिए कि एक्चुअली Ge6 के बाद हो क्या रहा है। Ge6 को आप देख सकते हैं कि बिशप इंटू h7 आ रहा है, जिसमें किंग कट h7 फॉलोड बाय Ng4, और अब आप देख सकते हैं बहुत ही डेंजरस थ्रेट्स हैं यहाँ पे, और क्वीन h6 भी आ रहा है। तो आफ्टर क्वीन f8 में भी Re1 आ रहा है, जिसमें f5 के बाद नाइट f6 चेक, और अब किंग h8 जाओगे तो Re3 आ रहा है, जिसमें Rg3 आके Rg8 और क्वीन h6 मेट हो रही है। सो ये बहुत ही डेंजरस था एक्चुअली इसको मारना। तो Re6 के बाद क्वीन f8 खेला। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो शायद Ng4 Ne6 और Ef6 ये भी प्लस माइनस हो सकता था, लेकिन आफ्टर क्वीन f8 ताल ने Re4 खेला, जहाँ पे Bd7 आया ब्लैक, Ng4। डेफिनेटली अब आप देख सकते हैं कि जब जब a3 पे नाइट डेवलप किया था तो यही मेन आइडिया था कि g4 आके h6 पे रेड बनाया जाए। बिशप e8 Nf6, 20 नंबर मूव पे रुक सॉरी 19th मूव पे Rf6 आया था, जिसमें f6 पे आप देख सकते हैं कि पहले रुक सेक्रीफाइस दिया, जब ब्लैक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो रीग्रुप करके व्हाइट ने फिर से नाइट सेक्रीफाइस दिया, और इस बार शायद उसको मारना ही पड़ेगा। तो नाइट इंटू f6 मारा, डेफिनेटली वहां पे Ge6 भी एक ऑप्शन था, लेकिन इसमें Re6 क्वीन g7 Rh6 f5 और मे बी क्वीन h4, ये डेफिनेटली विनिंग था, क्योंकि इसमें आप Rf1 और बाकी सब पीसेस भी आ रहे हैं गेम में, और किंग को इतना सेफ नहीं है ये, और डेफिनेटली कुछ कुछ लॉस भी नहीं है वाइट के लिए, तो ये विनिंग रहना चाहिए। लेकिन Ec6 के बाद
रुक सी सेवन खेला यहाँ पे ब्लैक ने, और आफ्टर एफ जी सेवन किंग टू जी सेवन, डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन इन टू जी सेवन नहीं मार सकते हैं, रुक जी फोर आ रहा था, सो किंग जी सेवन मारा और इसको क्वीन ई फाइव चेक दे दिया जिसमें डबल अटैक था। और ये जो गेम था बहुत ही कम मूव्स में, 25 मूव्स में ही ताल ने जीत लिया। और आप देख सकते हैं कि कैसे अपने स्टार्टिंग डेज में ही ताल बहुत ही अटैकिंग स्टाइल में खेलते थे हमेशा। और बाकी भी जो गेम्स हैं हम देखेंगे कि ये तो फर्स्ट पब्लिश गेम था, क्विकली हम लोग मैं कोशिश करूँगा कि मिखाइल ताल के जो गेम्स हैं उनको मैं एनालिसिस करके बताऊँ आपको, ताकि जो भी अटैकिंग स्टाइल था उनका उसको हम कोशिश करें कि क्या उनके पास एक ऐसी बात थी कि वो हमेशा मैक्सिमम ट्राई करते थे कि अटैकिंग चेस ही खेला जाए। और कोशिश यही रहती थी उनके गेम में कि ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस हो जिसमें जिसमें कि मज़ा आए चेस खेलने का। और डेफिनेटली उनका जो स्टाइल था वो अभी तक भी इतने सालों बाद भी बहुत पॉपुलर है, और हर एक बड़े प्लेयर ने उनको डेफिनेटली उनके गेम्स देखे होंगे। तो न्यू कमर्स के लिए या जिनको चेस में अभी अभी जस्ट एंट्री की है आपने, या फिर आप एक एक लेवल पे हो जहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग चेस देखना है, तो आप मिखेल ताल को ज़रूर फॉलो करिए और उनके गेम्स अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, तो आप देख सकते हो गेम्स। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एक नए गेम के साथ, तब तक के लिए आप इस गेम को देख सकते हैं, और बाय, थैंक यू।